हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ईशान अहमद और आप देख रहे हैं एमडीए ईशान। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके सिंगल यूजर क्या वर्क करते हैं, क्या काम होता है। चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये दो ही लफ्ज समझते हैं, जीरो वन। जीरो का मतलब है ऑन, जीरो का मतलब है ऑफ, वन का मतलब है ऑन। ये और कुछ समझते नहीं। जीरो ऑन करो या ऑफ करो, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी वर्क करता है जीरो या वन के थ्रू करते हैं। ऑन करते ऑन या ऑफ, ये और कुछ इसकी जुबान समझ नहीं सकते, या ऑन या ऑफ। व्हेन वी ऑन द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं उनमें समय सबसे पहले बायोस सिस्टम आते हैं। बायोस मीन बाइनरी इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। बी डिनोट करते हैं बाइनरी, आई डिनोट करते हैं इनपुट, ओ डिनोट करते हैं ऑपरेटिंग, एस डिनोट करते हैं सिस्टम। बायोस मीन बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद डॉस होते हैं, डॉस मीन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डी डिनोट करते हैं डिस्क, ओ डिनोट करते हैं ऑपरेटिंग, एस करता है सिस्टम को, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर इसके बाद हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, पहले बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसके बाद डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसके बाद विंडो ओपन होती है, फिर ऑन होती है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी टाइप होती हैं? सर तीन टाइप होती हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल मीन्स कोई पीसी जिसको एक बंदा इस्तेमाल कर सके उसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बहुत सारे आदमी मिलकर इस्तेमाल कर उसे मल्टी यूजर कहते हैं। उनके अंदर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई कंप्यूटर जो किसी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करे, जैसे आप नेटवर्क बनाते हैं क्लाइंट, ये उसमें आ जाते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन यूजर, ये सिर्फ वन यूजर को अलाउ करता है। ये नाम से ही जाहिर है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग। सिंगल का मतलब है एक आदमी इस्तेमाल करे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए ये है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ वन यूजर, ये सिर्फ एक यूजर को अलाउ करता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले इनिशियलाइज होती है, ये ऑन या ऑफ, इधर बता दिया जीरो या वन, ऑन इनिशियलाइज करते हैं ऑन या ऑफ। फाइल मैनेजमेंट, रिएक्शन डिटेक्शन। फाइल मैनेजमेंट आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल भी नहीं देते, लोकल डिस्क सी डी ई होती हैं, उससे आप अपनी मर्जी से कोई फोल्डर बनाते हैं, इसलिए उसको फाइल मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी ये कोई चीज़ आप किसी जगह सेव करके रखते हैं, ये मेमोरी मैनेजमेंट। आप भी अगर भी हार्ड डिस्क कोई स्पेस ही ना हो तो आप डेटा सेव करेंगे वो सेव नहीं हो, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये डेटा देती भी है, देती भी है मैनेजमेंट, डेटा देती भी है और देती भी है, इसलिए इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कहते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी यूजर क्या होता है और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आज का यही हमारा टॉपिक था ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक बार फिर सुन लें, ये सिर्फ ऑन या ऑफ होते हैं बस। इसके बाद जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहले बायोस बाइनरी सिस्टम आता है, फिर उसके बाद डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होता है, फिर उसके बाद रन होता है। फिर ये तीन टाइप है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सिंगल यूजर को इनिशियलाइज करता है, ऑन या ऑफ होता है, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।